नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज आपके साथ में बहुत ही स्पेशल टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखकर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती और हम मार्केट जाके बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन आज हम अपने घर के आसपास की चीजें लेंगे और मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और बहुत महंगी सी चीज घर ही में बना के तैयार करेंगे। अब आप भी अपने आसपास की चीजों को यूज करा करें और इस तरह घर के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी डेकोर आइटम बना के तैयार किया करें। और ये हमारी डेकोर आइटम नहीं, हम दिवाली, दशहरे या फिर किसी भी शुभ कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है मैरीगोल्ड के कुछ फ्लावर, इसी के साथ हमने ले लिए हैं ये कुछ टूटे हुए पत्ते। मैंने पत्तों को लगभग एक ही शेप के तोड़े हैं और पत्तों को धो लिया है। आप जब पत्तों को वॉश करते हैं तो सारी मिट्टी अलग हो जाती है, पत्तों में बहुत अच्छी साइन आ जाती है। और ये देखिए, मैंने जो खुले फूल लिए ना, उसकी मैं इस तरह एक लड़ी बनाऊंगी। ऑलरेडी मैंने एक लड़ी बना ली है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ये दो चीजों से घर के लिए बहुत ही शुभ चीज बना के तैयार करनी है। तो एक लड़ी तो हमने ये देखिए तैयार ही कर ली थी, इसको रख देते हैं साइड। और दूसरी लड़ी आपको मैं बना के बताऊंगी कि हमको किस तरह बनानी है। हमको लेना है ये मोटा वाला धागा और ये बड़ी वाली सुई। बस आप दो चीजें ले लीजिए और सारी चीज बहुत इजीली बनके तैयार हो जाएगी। तो हमको सुई में धागा डाल लेना है और इस तरह आप अपने घर के लिए, मंदिर के लिए माला वगैरह सब कुछ बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बनाई जाती है। ये देखिए, मैंने धागा डाला और धागा को कभी भी आपको डबल नहीं करना, सिंगल धागा ही माला के लिए इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये फ्लावर डाल दिया। अब हमको धागे के पीछे साइड गांठ लगाना है, जिससे कि हमारा फ्लावर गिरे ना। तो आपको देखिए गांठ किस तरह लगाना है, आपको ध्यान से देख लें। मैंने एक फिंगर ली, धागा लपेटा और 4 से 5 राउंड फिंगर में लपेट लिया। बस आपको इस तरह एक गांठ लगा के तैयार करनी है। ये गांठ थोड़ी मोटी होती है और ये फ्लावर को गिरने नहीं देती है। अब हम फ्लावर को नीचे कर देंगे और एक दूसरे के ऊपर फ्लावर पिरोते जाएंगे। इस तरह हम बहुत सुंदर सी फ्लावर की लड़ी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, जब भी आप फ्लावर की लड़ी बनाए ना, तो मार्केट से फ्लावर थोड़ा सा बड़े साइज के लाएं, वो लड़ियां बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए, हमने बना ली अपने 5 फूल की लड़ी और दूसरी भी इसी तरह मैंने बना के तैयार करी थी। तो ये देखिए, फ्लावर की लड़ी बनाना बहुत आसान है और इसी तरह आप माला भी बना के तैयार कर सकते हैं। हमने लड़ी रखी साइड में। अब हमको कुछ सीके चाहिए और जो हमको पानी में गलानी है। तो ये देखिए, मैंने 10 मिनट पहले इनको पानी में गला दिया था। आप नीम की सीक ले सकते हैं, अगरबत्ती की डंडी ले सकते हैं, नारियल की झाड़ू अगर नई है तो उसकी भी आप सीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको इन पत्तों को देखिए ऊपर से इस तरह कट करना है और आप अशोक के पत्ते, आम के पत्ते इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पत्ते सॉफ्ट और फ्रेश ही हों तभी ये बन पाएगा। अब हमको देखिए इस तरह फोल्ड करना है। आपको एक पत्ता लेना है, आगे साइड से कुछ भी नहीं करना, आपको ये आगे वाला भाग पीछे साइड मोड़ देना है, बस इतना ही मोड़ें। और आप सारे पत्ते इक्वल शेप के ही रखें। हमको क्या करना है, लेना है ये सीख की डंडी और इस तरह पिन कर देना है। देखिए पीछे साइड भी निकल गई और ये फोल्ड करके हमने पत्ते से निकाल दिया। बस हो गया, बहुत इजी तरीके से हो गया। अब मैं आपको एक और पत्ता दूसरी तरह से पिन करके बताऊंगी। हमको सिंपल सा वही पत्ता लेना है। समझ में नहीं आ रहा लंबाई कितनी है तो आप पहले वाले पत्ते से माप सकते हैं। और ये देखिए, हमको लेना है इसी पत्ते की कटी हुई ऊपर साइड की पिन और हमको इसी आम के पत्ते की ही डंडी से ये आम के पत्ते को फोल्ड कर देना है। अगर आपको इजी लगे आम के पत्ते की डंडी से आम के पत्ते को पिन करना तो आप उस तरह कर सकते हैं, या फिर आप इस अगरबत्ती की लकड़ी से या फिर नीम की लकड़ी से कैसे भी इनको इस तरह पिन कर सकते हैं। बहुत आसानी से सारे पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो चलिए, मैं भी फटाफट सारे पत्ते फोल्ड कर चुकी हूँ और ये देखिए हमने वो डंडियाँ साइड कर दी। अब हमको क्या चाहिए, हमको अब वापिस चाहिए सुई और धागा। तो मैंने वही धागा ले लिया है जिसे हमने ये लड़ी बनाई थी। और धागे को इस टाइम पे आपको डबल रखना है। सिंगल धागा लड़ी के लिए रखा था और डबल धागा हमने ये तोरण के लिए रखा है। और देखिए, हमने सुई में धागा डाल दिया। धागा काफी लंबा है, मैंने अपने दरवाजे से माप के लिया है। जब भी आप तोरण बनाएं तो धागे को दरवाजे से मापें और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा ही कट करें। तो अब हम धागे के एक साइड डाल देंगे ये छोटा सा फ्लावर और देखिए गांठ लगा दी, जिससे कि ये पत्ते गिरेंगे नहीं। और अब हमको पत्तों को लंबाई में पिरो लेना है।
आप उल्टे सीधे बिल्कुल भी पत्ते ना पिरोएं, एक ही शेप में आने चाहिए। ये देखिए, घर में कोई भी शुभ काम हो आम के पत्तों का बहुत ज्यादा महत्व है। नया घर हो या दिवाली दशहरा हो, आम के पत्तों की तोरण दरवाजे में लगाते हैं उस टाइम के लिए। मैं आपको ये तोरण बता रही हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है। आप अपने घर में इस तरह की तोरण आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। और भी कई डिजाइन मुझे आती है, लेकिन जो मुझे सबसे सुंदर और सबसे सिंपल डिजाइन लगती है वो यही है, और बहुत इंस्टेंट बनती है, तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाना। आप इस तरह आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की तोरण अपने घर में बना के तैयार करें। और अभी इतना ही नहीं है, हम इनको डेकोरेट करेंगे जिससे ये बहुत सुंदर लगने लग जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने सारी लड़ी बना के तैयार कर ली है। अब हमको पत्तों को अच्छे से चारों तरफ फैला देना है कुछ इस तरह। और बहुत सिंपल सी दो चीजें चाहिए हमको, एक तो चाहिए ये बर्ड्स और दूसरे चाहिए सिंदूर और पीला चंदन। ये हम अपने मंदिर में हमेशा यूज करते हैं, तो बस हम इन्हीं दो चीजों से इन पत्तों को डेकोरेट करेंगे। तो हमको लेना है ये बर्ड्स, इसमें लेना है ये सिंदूर, और ये देखिए इस तरह आपको टीका लगा देना है। जब भी आप सिंदूर का इस तरह डेकोरेशन में यूज करते हैं तो सिंदूर में थोड़ा सा आप घी जरूर मिला लिया करें, उससे बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है। अगर आप पानी मिला के इस तरह टीका लगाएंगे तो इतना क्लियर टीका नहीं लगता है। और जो पीला चंदन है उसमें आप पानी का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ सिंदूर का टीका लगा दिया है। अब हम इसी के नीचे लगाएंगे पीले चंदन का टीका, और जो देखिए देखने में कितना सुंदर लगने लग गया है। जब आप इस तोरण को दरवाजे में टांगेंगे तो चार चांद लग जाएंगे, और ये हमारी तोरण तैयार हो गई। अगर आप मार्केट जाएंगे और इस तरह की तोरण ढूंढेंगे तो आपको इस तरह की तो ओरिजिनल तोरण मिलने वाली नहीं है। आर्टिफिशियल पत्तों की तोरण मिलती है जो हमारे घर के लिए शुभ नहीं होती। तो आज से आप इस तरह की ओरिजिनल आम के पत्तों की तोरण अपने घर में बनाएं, और अपने किसी भी त्योहार पे घर के बाहर लगाएं, अंदर लगाएं, मंदिर में लगाएं, बहुत ज्यादा शुभ है ये तोरण। तो चलिए हम भी अपने दरवाजे में इसको देखिए लगा चुके हैं, और ये कितनी सुंदर लग रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नई टिप के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।